हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओकेका 24/7 फर्स्ट ऑन यूट्यूब वीडियो लेकर के हम आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 25 बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर्स के बारे में जो अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा बिके हैं। तो शुरुआत करेंगे इस वीडियो की, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम 30,000 सब्सक्राइबर होने के बहुत करीब हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सारी जानकारियाँ मिलती रहें। ट्वेंटी फिफ्थ पोजीशन पर आई है टीवीएस स्पोर्ट। इस गाड़ी की अगस्त के महीने में पूरे भारत में 13,545 यूनिट बिकी हैं। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 53,700 रुपये से शुरू होती है। इस गाड़ी में आपको 109.7 सीसी का इंजन मिलता है, जो 8.29 पीएस की पावर और 8.7 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 24th पोजीशन पर आई है हीरो की डेस्टिनी। हीरो डेस्टिनी की अगस्त के महीने में पूरे भारत में 13,609 यूनिट बिकी हैं। हीरो डेस्टिनी की एक्सशोरूम प्राइस 65,310 रुपए से शुरू होती है। इस गाड़ी में आपको 124.6 सीसी का इंजन मिलता है, जो 9.1 पीएस की पावर और 10.4 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 23rd पोजीशन पर आया है यामाहा का रे। इस गाड़ी की अगस्त के महीने में 15,620 यूनिट बिकी हैं पूरे भारत में। इसकी एक्सशोरूम प्राइस 69,530 रुपए से शुरू होती है। इसमें आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है, जो 8.2 पीएस की पावर और 9.7 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 22 पोजीशन पर आया है यामाहा का फसिनो 125। इस गाड़ी की अगस्त के महीने में 15,668 यूनिट बिकी हैं। एक्सशोरूम प्राइस 68,730 रुपए से शुरू होती है और इसमें आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है, जो 8.2 पीएस की पावर और 9.7 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 21 पोजीशन पर आया है हीरो का प्लेजर। इस गाड़ी की अगस्त के महीने में 16,935 यूनिट बिकी हैं। एक्सशोरूम प्राइस 55,600 रुपए से शुरू होती है और इस गाड़ी में आपको 110.9 सीसी का इंजन मिलता है, जो 8.1 पीएस की पावर और 8.7 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 20 पोजीशन पर आई है होंडा की ड्रीम, जिसकी अगस्त के महीने में पूरे भारत में 18,559 यूनिट बिकी हैं। एक्सशोरूम प्राइस 64,505 रुपए से शुरू होती है। 109.51 सीसी का इंजन मिलता है इस बाइक में और इसकी पावर है 8.79 पीएस और 9.30 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है इसका इंजन। 19 पोजीशन पर आया है होंडा लिवो। इस गाड़ी की अगस्त के महीने में 18,980 यूनिट बिकी हैं। एक्सशोरूम प्राइस 70,056 रुपए से शुरू होती है। 109.51 सीसी का इंजन मिलता है, जो 8.79 पीएस की पावर और 9.30 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 18th पोजीशन पर आई है यामाहा की एफजी सीरीज। एफजी में आने वाली सारी गाड़ियों की कंबाइंड यूनिट 19,604 बिकी हैं अगस्त के महीने में। यहां पर आपको अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से प्राइजेस अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रही हैं। 17th पोजीशन पर आई है टीवीएस एंटॉक स्कूटर, जिसकी अगस्त के महीने में पूरे भारत में 19,918 यूनिट बिकी हैं। एक्सशोरूम प्राइस 67,885 रुपए से शुरू होती है और इसमें आपको 124.8 सीसी का इंजन मिलता है, जो 9.38 पीएस की पावर और 10.5 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हम आपके लिए अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों की वीडियो बना चुके हैं, जिसमें टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्कूटर की वीडियो है, टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बाइक की वीडियो है और टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार की वीडियो है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर के भी वो वीडियो देख सकते हैं। 16 पोजीशन पर आने वाली होंडा यूनिकॉर्न की अगस्त के महीने में 29,441 यूनिट टोटल बिकी हैं। एक्सशोरूम प्राइस 94,548 रुपए से शुरू होती है। 162.7 सीसी का इंजन मिलता है, जो 12.91 पीएस की पावर और 14 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 15th पोजीशन पर आई है टीवीएस अपाचे। टीवीएस अपाचे में टीवीएस अपाचे आरटीआर 160, अपाचे आरटीआर 164V, अपाचे आरआर 310, अपाचे 204V, अपाचे आरटीआर 180 आती हैं। इन सबकी कंबाइंड यूनिट अगस्त के महीने में 33,540 बिकी हैं। बात करें प्राइजेस की तो आप अपनी स्क्रीन पर सेपरेट प्राइजेस देख पा रहे हैं इन सारी ही गाड़ियों की। 14 पोजीशन पर आई है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, जिसकी अगस्त के महीने में 34,791 यूनिट बिकी हैं। एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 1,59,000 रुपए से। 346 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो 20.07 पीएस की पावर और 28 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है।
13 पोजीशन पर आई है बजाज सिटी 100। अगस्त के महीने में इसकी 34,863 यूनिट बिकी हैं। एक्चुअल प्राइस 43,994 रुपये से शुरू होती है। 102 सीसी का इंजन मिल जाता है जो 7.9 पीएस की पावर और 8.34 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 12th पोजीशन पर आई है बजाज प्लेटिना। अगस्त के महीने में 40,294 यूनिट इसकी बिकी हैं। दो वेरिएंट मार्केट में बिक रहे हैं, बजाज प्लेटिना 100, बजाज प्लेटिना 110 एच गियर। बजाज प्लेटिना 100 की एक्सशोरूम प्राइस शुरू होती है 50,464 रुपए से और प्लेटिना 110 की प्राइस शुरू होती है 62,899 रुपए से। 11th पोजीशन पर आई है सुजुकी एक्सेस 125। अगस्त के महीने में इस गाड़ी की 41,484 यूनिट बिकी हैं। एक्सशोरूम प्राइस 69,100 रुपए से शुरू होती है। एक्सेस 125 में आपको 124 सीसी का इंजन मिलता है जो 8.7 पीएस की पावर और 10 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसका माइलेज 52.45 केएमपीएल क्लेम किया जाता है। 10th पोजीशन पर आई है होंडा की डियो। होंडा डियो की अगस्त के महीने में पूरे भारत में 42,957 यूनिट बिकी हैं। एक्सशोरूम प्राइस 61,497 रुपए से शुरू होती है। इस गाड़ी में आपको 109.51 सीसी का इंजन मिलता है जो 7.76 पीएस की पावर और 9 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 9th पोजीशन पर आई है टीवीएस जुपिटर। टीवीएस जुपिटर की अगस्त के महीने में 52,378 यूनिट बिकी हैं। एक्चुअल प्राइस 63,102 रुपए से शुरू होती है। इसमें आपको 109.7 सीसी का इंजन मिलता है जो 7.47 पीएस की पावर और 8.4 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 8th पोजीशन पर आई है हीरो पैशन। हीरो पैशन की अगस्त के महीने में 52,471 यूनिट बिकी हैं। एक्चुअल प्राइस 65,740 रुपए से शुरू होती है। इस गाड़ी में 113.2 सीसी का इंजन मिलता है जो 9.14 पीएस की पावर और 9.79 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 7th पोजीशन पर आई है हीरो की ग्लैमर। हीरो ग्लैमर की अगस्त के महीने में 54,315 यूनिट बिकी हैं। एक्चुअल प्राइस 69,750 रुपए से शुरू होती है और इस गाड़ी में आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है जो 10.87 पीएस की पावर और 10.6 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 6th पोजीशन पर आई है टीवीएस एक्सेल। ये एक मोपेड है। इसकी अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर 70,126 यूनिट बिकी हैं। एक्सशोरूम प्राइस 44,994 रुपए से शुरू होती है। 99.7 सीसी का इंजन मिलता है जो 4.4 पीएस की पावर और 6.5 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 5th पोजीशन पर आई है बजाज की पल्सर। बजाज पल्सर की मार्केट में बजाज पल्सर 150, पल्सर एनएस 200, पल्सर 220F, पल्सर 125 नियोन, आरएस 200, इन सब की कंबाइन यूनिट मिलाकर के 87,202 बिकी हैं पूरे भारत में। सेपरेट प्राइजेस आप अपनी स्क्रीन पर इसके देख पा रहे होंगे। 4th पोजीशन पर आई है होंडा की शाइन। होंडा शाइन की अगस्त के महीने में पूरे भारत में 106,133 यूनिट बिकी हैं। एक्चुअल प्राइस 68,812 रुपए से शुरू होती है। 124 सीसी का इंजन मिलता है जो 10.74 पीएस की पावर और 11 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 3rd पोजीशन पर आई है हीरो की एचएफ डीलक्स। इस गाड़ी की अगस्त के महीने में पूरे भारत में 177,168 यूनिट बिकी हैं। एक्चुअल प्राइस 48,000 रुपए से शुरू होती है और इसमें आपको 97.2 सीसी का इंजन मिलता है जो 8.02 पीएस की पावर और 8.05 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 2nd पोजीशन पर आया है होंडा का एक्टिवा, जो टॉप सेलिंग स्कूटर में नंबर 1 पोजीशन पर है और टॉप 25 टू व्हीलर्स में 2nd पोजीशन पर आया है। होंडा एक्टिवा के दो वेरिएंट मार्केट में बिक रहे हैं, होंडा एक्टिवा 6G जिसकी एक्चुअल प्राइस 65,419 रुपए से शुरू होती है और जिसमें 109.51 सीसी का इंजन मिलता है, और दूसरा होंडा एक्टिवा 125 जिसकी एक्चुअल प्राइस 68,997 रुपए से शुरू होती है और इसमें आपको 124 सीसी का इंजन मिलता है जिसका माइलेज 60 केएमपीएल क्लेम किया जाता है। इन दोनों की कंबाइंड यूनिट अगस्त के महीने में 193,607 बिकी हैं पूरे भारत के अंदर। और नंबर 1 पोजीशन पर आई है हीरो की स्प्लेंडर। हीरो स्प्लेंडर के तीन वेरिएंट मार्केट में बिकते हैं, हीरो स्प्लेंडर प्लस जिसकी एक्चुअल प्राइस 60,500 रुपए से शुरू होती है, इसमें आपको 97.2 सीसी का इंजन मिलता है जिसका माइलेज 80 केएमपीएल क्लेम किया जाता है। दूसरी है हीरो सुपर स्प्लेंडर जिसकी एक्चुअल प्राइस 68,150 रुपए से शुरू होती है, जिसमें आपको 124.7 सीसी का इंजन मिलता है। और तीसरी है हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट जिसकी एक्चुअल प्राइस 65,700 रुपए से शुरू होती है, इसमें आपको 113.2 सीसी का इंजन मिलता है जिसका माइलेज 61 केएमपीएल क्लेम किया जाता है। इन तीनों की कंबाइंड यूनिट पूरे भारत में 232,301 बिकी हैं, जिसके साथ ही टॉप 25 बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर्स की लिस्ट में ये नंबर 1 पोजीशन पर है। टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बाइक में भी नंबर 1 पोजीशन पर ही है। तो दोस्तों, ये था
फर्स्ट ऑन यूट्यूब टॉप 25 बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर्स का वीडियो। इसके बाद रेगुलरली हर महीने आपको ऐसा वीडियो देखने को मिलता रहेगा। हम टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार का वीडियो भी हर महीने लेकर के आते हैं। इसके अलावा सेपरेट सेगमेंट वाइज भी कार का वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे हमने इमेजेस के माध्यम से आपको समझा रखा है कि कौन से बाइक की कितनी यूनिट बिकी हैं, कौन से स्कूटर की कितनी यूनिट बिकी हैं और टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कौन से हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।